मैडम मास्क निकालो कहेंगे आप ये साल की गिरायकी कैसी है, ठंड कैसी है और किस रेट से मिल रहा है? अभी रेंज तो 600 से ऊपर है, लेडीज़ का स्वेटर और जेंट्स का 1100 1200 1500 तक है। और ठंड तो अभी शुरू हुआ है, अभी माल थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, अभी कस्टमर भी थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। और क्या बोल, कहाँ से रेंज है आपने? अपना जेंट्स का जैकेट तो 1600 1450 इतना से है स्टार्ट थिंग, और इन 2900 तक है कार्गो। कुछ रेट बढ़े हुए हैं? रेट तो इतना नहीं बढ़ा है। कहाँ तक बढ़े हैं? ज़्यादा तो नहीं, वो जो रेट तो इतना नहीं बढ़ा है, क्यों मतलब वो उधर से आने का लेने का वो सब उतने से ही बढ़ गया है रेंज तो। अभी जो खरीदार है उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो लोग से कहना चाहता हूँ अच्छे से इधर माल अच्छा मिलता है, आप लोग इधर से आके ले लीजिए, और गरम गरम वाला मिलता है इधर, और क्या बोलते हैं सॉफ्ट भी है लेडीज़ के लिए, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला स्वेटर है, जेंट्स के लिए अच्छा है, गरम होता है, और विंड चीटर बारिश में भी पहन सकते हो, तो उस टाइप में मिलेगा आप लोग को इधर। काय म्हणायचं सर, नमस्कार। काय सांगाल, आपण पेट्रोल खरेदी केलं, कसे दर आहे सध्याचे? आणि हो, आता थंडी सुरू झालेली आहे त्यामुळं सगळ्यांसाठी उबदार कपडे घ्यायसाठी आलो होतो आम्ही इथे। हे तिबेटियन मार्केट आहे तसं चांगलं, क्वालिटी चांगली आहे, पण त्यांचे रेट फिक्स आहेत, ते रेटमध्ये काही नेगोशिएशन करत नाही, पण क्वालिटी चांगली आहे। दर वाढलेले आहे का पूर्वीसारखे? नाही, दर वाढलेले आहेत ना, वाढलेले दर वाढलेले आहेत, पण इथे चांगले मिळतात, क्वालिटी चांगली मिळते, शॉपवर एवढ्या व्यवस्थित चांगले मिळत नाही। हां, आणि हे तिबेटियन लोक आहेत, हे पहिल्यापासून आपल्या औरंगाबादला असतात ना, येतात। हां, आपल्याला तो सवय पडलेली त्यांच्याकडनं खरेदी करायची। आम्ही एक जॅकेट घेतलं, टोपे घेतल्या लहान मुलांना, शूज घेतले लोकरीचे, कानाला लावायचं असतं ते लहान मुलांचं, ते घेतलं। क्या कहेंगे आप, अभी आपकी मार्केट शुरू हो गई, गिरायकी कैसी है, इस साल के रेट कैसे है? इस साल रेट भी थोड़ा सा रेट बढ़ गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ का महंगाई बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, रेट रिजनेबल प्राइस है। आप ग्राहक से क्या कहना चाहेंगे?
ग्राहक से कहना चाहूँगा कि इस साल आइटम बढ़िया बढ़िया है, बच्चे से लेके बड़े तक सब, बुजुर्ग से लेके सब तक, स्वेटर जैकेट। आप ये साल की ग्राहक की कैसी रेट कैसे है? रेट तो इतना महंगा नहीं है भैया, ये सब एफोर्ड कर सकता है ये फैमिली शॉपिंग के लिए, और क्वालिटी बहुत बढ़िया। आप रेट के बारे में मत पूछो, क्वालिटी के बारे में पूछो आप, इसमें कोई कंप्लेन कुछ अभी तक भी नहीं आया। हम लोग हर साल में अच्छा कैसे बनाऊँ ये सोच रहा है हम लोग, अभी ये साल में क्वालिटी अच्छा नहीं दिया तो फिर नेक्स्ट साल में कंप्लेन आता है हम लोग को, यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए हर साल अच्छा बनाने का कोशिश भी करता हूँ ये, इसलिए तो इतना आ रहा है सब फैमिली शॉपिंग के लिए। आपको क्या लगता है ग्राहक कैसी रहेंगी? ग्राहक अच्छा रहेगा सोच रहा है, क्योंकि ये साल में थोड़ा अभी शुरुआत से भी इतना खाली नहीं है, आ रहा है वो आते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और कंप्लेन भी नहीं हो रहा है, सब पसंद करता है जो हम लोग वही डिज़ाइन बनाया वही उसको। फिर भी रेट कितना बढ़ा हुआ है? रेट ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है भैया, अभी क्वालिटी के वजह से थोड़ा थोड़ा तो ज़्यादा, हर चीज़ हम लोग भी दूसरा से लेते हैं ना, वो लोग बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं बढ़ा, थोड़ा थोड़ा तो हो, हम लोग बहुत दूर से यहाँ तक इतना कमाने के लिए आ रहा है भैया। अभी क्वालिटी बहुत अच्छा, पहले से भी अच्छा हो गया है, और जो गिरा आता है वो लोग रेट के बारे में इतना तो नहीं बोल रहे, क्वालिटी तो बहुत अच्छा है बोलने वाला है सब। ग्राहक से क्या कहना चाहेंगे आप? सब ग्राहक से क्या कहना है, बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि खुशी से ले रहा है सब फैमिली लेके, जितना चाहे वो यहाँ से ले सकता है, फिर मॉल में जाएगा तो कितना महंगा है, देखो फैमिली को तो वो शॉपिंग कर नहीं सकता इधर। आपको क्या लगता है ठंड बढ़ेगी, ठंड से और ग्राहक बढ़ेगी? और थोड़ा बढ़ेगा सोच रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं, हम लोग कोशिश करता हूँ लेकिन। काय सांगाल आपण आता या ठिकाणी स्वेटर वगैरे खरेदी करण्यासाठी आलात? थंडीचे म्हणजे खरेदी तर चालू झालेली आहे, कारण आता दिवाळी झाल्यानंतर थंडी एकदम वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे आमचं हे नेहमीचं ठिकाण आहे, खूप छान मिळतात इथे स्वेटर्स वगैरे, किमती त्या प्रमाणाने खूप जास्ती आहेत, पण तरी आता घ्यावंच तर लागतंच, थंडी आहे त्याच्यामुळे सगळेजणं त्याच उद्देशाने आलेलो आहोत। थंडी एकदमच वाढलेली असल्यामुळे लहान मुलांना थंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही स्वेटर खरेदी करायला आलो, त्यामुळे इथे छान मिळतं, लहान मुलांमध्ये व्हरायटी पण असल्यामुळे आम्ही इथे आलो खरेदी करायला। दर कसे वाटतात आपल्याला? दर तर वाढलेले आहेत लॉकडाऊनपासून, कोरोनापासून रेट्स तर सगळ्याच गोष्टींचे वाढलेत, त्यामुळे स्वेटरचे रेट्स वाढलेले आहेत। हॅलो, म्हणजे आम्ही औरंगाबादचे रहिवासी, आणि दरवर्षीप्रमाणे म्हणजे ह्यावर्षी पण थंडी जास्त पडलेली आहे, तर आम्ही ह्यावर्षी तिबेटियन मार्केट इथे येतं, मिल कॉर्नरजवळ बस स्टँडजवळ आहे, तर आम्ही इथे दरवर्षी येत असतो, यांचं मार्केट म्हणजे दरवर्षी ह्या सीझनमध्ये येतं, तर इथलचे प्रोडक्ट आणि क्वालिटी खूप छान असते, आणि म्हणजे प्रोडक्ट खूप उबदार असतात आणि क्वालिटी चांगली असल्यामुळे ते फार लाँग लास्टिंग असतात आणि विदिन रिझनेबल रेट, त्यामुळे आम्ही दरवर्षी इथे शॉपिंग करायला येतो, तर ह्यावर्षी पण आलेलो आहे, तो लेट सी काय नवीन आलेलं आहे, ट्रेंडिंग आलेलं आहे, तर खरेदी करू आम्ही। येस, ग्राहकी बड़ी है साल ग्राहकी सब माल आया हुआ है अपने पास, टोपी है, सॉक्स है, स्वेटर है, टोपी है, बच्चों के स्वेटर है, सब आइटम है अपने पास, जिसको भाव पसंद आ रहा वो ले रहा है, जिसको नहीं जम रहा वो चले जा रहा है। अभी ये साल सर्दी ज़्यादा बड़ी है और हर साल रेंज बढ़ते रहता है, हर साल रेंज बढ़ के आता है, सब है। किराए की अभी चल रही है, जिसको पसंद आ रहा वो ले रहा है, जिसको नहीं जम रहा वो नहीं ले रहा है। कहाँ तक है भाव? भाव जैसे लिए वैसे रेंज में, 500, 400, 1000, 800, जैसे लिए वैसे रेंज है। अभी ठंड शुरू हो गई है, ये साल और गिराकी बढ़ेंगे, अभी ज़्यादा ठंड से और गिराकी जल्दी बढ़ते रहेंगे और धंधा होते रहेंगे। हमारा नाम शेख तखी। इस साल ठंड ज़्यादा बढ़ गया, दिवाली से पहले ठंड बढ़ गया, इसलिए स्वेटर लेने जल्दी आई है, अभी आएगा, साइज़ मिलेगा, क्वालिटी सब अच्छा अच्छा मिलेगा, और बच्चे के लिए, बड़े के लिए, सब के लिए अच्छा अच्छा क्वालिटी का है। कौन सी क्वालिटी के स्वेटर अपने पास है और क्या रेट? स्वेटर इस साल नया में हेयर बोल के एक स्वेटर नया सॉफ्ट में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, और जैकेट में भी नया नया आया हुआ, हुडी आया हुआ है, चेन विदाउट चेन दोनों आया हुआ है जी इस साल। कहाँ तक रेट है, रेंज आपकी? रेंज है, शुरू है 200, 300, 400 लेके 1000, 2000-3000 तक का है, क्वालिटी के हिसाब से रेट है सब पे। अभी फिलहाल मार्केट कब से शुरू हुआ और ग्राहक कैसी है? 16 तारीख से शुरू हुआ था हमारा, और ग्राहक ठीक ठाक ही है अभी।
और भरेंगे, और भरेंगे, ठंड बढ़ रहा है ना, और बढ़ रहा है ग्राहक।